क्रश बैरियर का टॉप लेवल मार्किंग कैसे किया जाता है? लेवल मार्किंग करना तो बहुत ही आसान है। ये इंस्ट्रूमेंट आप किस पोजीशन में लगाएंगे? अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं कि लेवल ऊपर होने की वजह से हमारा जो आईएस का रीडिंग है ये माइनस में आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एएसई पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्रश बैरियर का टॉप लेवल मार्किंग कैसे किया जाता है। ये हमारे पास क्रश बैरियर का शटरिंग किया हुआ है। इस क्रश बैरियर का टॉप लेवल मार्किंग करना है। तो ये टॉप लेवल किस तरह से मार्किंग किया जाएगा ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। लेवल मार्किंग करना तो बहुत ही आसान है, जो कि आप बहुत ही आसानी के साथ लेवल मार्किंग कर पाएंगे। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, ये इंस्ट्रूमेंट आप किस पोजीशन में लगाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट डाउन पोजीशन में सेट हो गया हो और हमारा क्रश बैरियर टॉप का लेवल ऐसे ही तो वो हाइट में है कि लेवल ऊपर होने की वजह से हमारा जो आईएस का रीडिंग है ये माइनस में आ जाता है। तो इसके लिए हमें ध्यान में ये रखना है कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को ऐसा पोजीशन में सेट करें कि जो हमारा ये क्रश बैरियर है, क्रश बैरियर का टॉप जिस पे हमें मार्किंग करना है उसके ऊपर हमारा एचआई सेट हो। उसके ऊपर हमारा एचआई सेट होने से हमको बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारा जो आईएस है ये हमारा हर वक्त प्लस में रहेगा। एचआई माइनस आरएल जब हम करते हैं तो हमारा जो नॉर्मल आईएस निकलता है उस आईएस को हम जाकर सरिया पे अगर मार्किंग कर दें तो हमारा वो आराम से मार्किंग हो जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट को डाउन में सेट कर देते हैं तो कुछ ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें आईएस माइनस में आता है तो लेवल मार्किंग करने में दिक्कतें होती हैं, और कुछ अगर नए लड़के हैं तो उनको परेशानी भी उठाना पड़ता है, उसे समझ में भी नहीं आता है कि उस वक्त वो क्या करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लेवल को मार्किंग कर पाएंगे। बस टीम मौजूद है क्रश बैरियर मार्किंग करने के लिए। तो ये हमारे भाई लोग अभी जो इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं ये इस पोजीशन में लगाए हैं। अभी देखते हैं कि इस पोजीशन से मार्किंग करने में मुझे क्या दिक्कतें होती है या फिर आसानी से हम मार्किंग कर लेंगे। तो चलिए, तो पहले हम बैक साइड कर लेते हैं। हमारा बैक साइड हो चुका है। ये देखिए हमारा बैक साइड का रीडिंग है 1.986। हमने टीबीएम H2 को बैक साइड किए हैं। टीबीएम H2 का आरएल है 15.990। 15.990 के साथ जब हम बैक साइड को प्लस किए तो हमारा एचआई आ गया है 17.976। कभी कभार होता क्या है कि हम लोग रजिस्टर में एंट्री नहीं करते हैं। हमारा जो बैक साइड का रीडिंग आया, आरएल मुझे पता है, टीबीएम का आरएल हम नॉर्मली मोबाइल पे कैलकुलेट करके एचआई निकाल के और मार्किंग करने लग जाते हैं। तो कभी कभार ये गलती होने का चांसेस रहता है कि हम अपने एचआई हो सकता है भूल गए या फिर कुछ भी हुआ। तो अगर हम इसे रजिस्टर में लिख कर रखते हैं तो मेरे लिए सहूलियत रहता है कि हमको एचआई मालूम है। एचआई मालूम भी होना चाहिए, या फिर आपका सीनियर या फिर कोई भी आपको अगर कभी देखना चाहे कि आपने किस तरह का काम किया तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि हमने ऐसा बैक साइड किया, इस आरएल से इसको माइनस किया, एचआई में ऐसा किया, आपने उनको कैलकुलेशन को समझा सकते हैं। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। चलिए अब हम लोग मार्किंग करना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने ये कॉन्सेप्ट ऐसा रहे। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने आप काम को इतना अच्छे तरीके से समझ लें कि आप कहीं भी कोई भी चीज़ का मार्किंग करना हो तो आप निडर होके, निर्भय होके आराम से मार्किंग कर पाएँ। मैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट यही है, मैं यही चाहता हूँ। तो वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग थोड़ा सब्र रखिए। चलिए अब शुरू करते हैं। पास H2 का जो आरएल है 15.990 के साथ हम बैक साइड को प्लस करेंगे 1.986, 17.976 ये हमारा एचआई हो गया। और अभी हम जो क्रश बैरियर का मार्किंग करेंगे उस क्रश बैरियर टॉप का आरएल है हमारा
17.930। तो क्या करना है, एचआई के साथ आपको 17.930 को माइनस करना है, 17.930। तो देखिए ये जो हमारा रीडिंग आया है 0.046, ये 0.046 ये हमारा आईएस का रीडिंग है। इसी रीडिंग पे हमें सरिया पे मार्किंग करना है। इस जगह पे लोग एक गलती कर बैठते हैं और थोड़ा सा ध्यान भटक जाते हैं, यहीं पे ध्यान में रखना है। इस रीडिंग पे हमें डेप्थ को माइनस करना है। हमारे पास जो दिया हुआ है क्रसबेरिया टॉप का आरएल दिया हुआ है, लेकिन क्या है कि हमको 200 mm हाइट करके लेवल मार्किंग करना पड़ता है उसका डेप्थ चेक करने के लिए। तो 200 mm का थिकनेस देने के लिए हमें करना क्या है कि या तो हम आरएल के साथ जो हमारा क्रसबेरिया टॉप का आरएल है उसके साथ 200 mm प्लस कर लें, और नहीं तो हमारा जो रीडिंग आ रहा है रीडिंग के साथ 200 mm माइनस कर लें। यहाँ पे ध्यान रखने वाले यही चीज़ है कि अगर हम आरएल के साथ कैलकुलेट करते हैं तो 200 mm प्लस करना है, और अगर हम आईएस के साथ रीडिंग के साथ कुछ करते हैं तो उसमें 200 mm माइनस करना है। इसलिए माइनस करना है कि जब हम रीडिंग के साथ माइनस करते हैं तो माइनस का मतलब हमारा स्टाफ जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, मतलब कि हमारा कम हो जाता है माइनस करने से, और कम होने का मतलब है आरएल को ऊपर जाना। तो देखिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास रीडिंग है, रीडिंग से के साथ हम 200 mm माइनस कर रहे हैं। 200 mm माइनस करने पे क्या आ रहा है, -0.154। इसका माइनस का मतलब ये है कि आपको स्टाफ जो है ये उल्टा करके पकड़ना है, इन्वर्टेड तरीके के साथ आपको लेबल मार्किंग करना है। इसका एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, इन्वर्टेड लेबल किस तरह किया जाता है, तो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे माइनस में रीडिंग आने का मतलब यह है कि स्टाफ को आपको उल्टा करके दिखाना है। तो चलिए हम अभी लेबल देख लेते हैं। देखिए इस पोजीशन में हमारा लेबल आ रहा है, तो इसका मतलब यह है ये जो हमारा लेबल आ रहा इस पॉइंट से 200 mm डाउन करके हमें कंक्रीट करना है। तो हमारा ये जो देखिए अभी स्टाफ जो उल्टा करके रखा गया है ये इसलिए क्योंकि हमारे पास माइनस में रीडिंग आया था, इसीलिए हम आपको पहले भी कहे थे कि हमको इंस्ट्रूमेंट इस पोजीशन में लगाना है कि हमारा आईएस जो है वो प्लस में आए। ये माइनस में होने की वजह से स्टाफ को उल्टा कर किया गया है। इस मार्किंग को आप पेंट से, मार्कर से, या फिर सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो इलेक्ट्रिक का जो आइसोलेशन टेप आता है उससे आप ये मार्किंग कर सकते हैं। चलिए फिर से कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। एचआई हमारा 17.976 के साथ हम क्रसबेरिया टॉप को माइनस करेंगे, 17.690। देखिए हमारा जो रीडिंग आ रहा है 286 mm आ रहा है, 0.286। इस 0.286 के साथ हमें जो थिकनेस है 200 mm का वो माइनस करना है, -0.2। देखिए हमारा कितना आ रहा है, 0.086। हम आपको पहले ही बताए थे अगर हम रीडिंग के साथ अगर करते हैं तो माइनस करेंगे तो 0.086। देखिए यही 0.086 हम आरएल के साथ आपको प्लस करके दिखाते हैं। देखिए हमारा आरएल जो था 17.690 के साथ अगर हम थिकनेस को प्लस करते हैं तो +0.2, तो हमारा कितना आ गया, 17.890। ये 17.890 को हम एचआई के साथ माइनस करेंगे, 17.976 -17.890। देखिए हमारा वही रीडिंग आया 0.086। तो चलिए 0.086 पे मार्किंग करके देखते हैं। इस पे मार्किंग कर रहे हैं, इसी तरीके से हम पूरा क्रस बैरियर का जहाँ जहाँ पे सरिया लगा हुआ है हम उस सब का मार्किंग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्रस बैरियर का मार्किंग किस तरह किया जाता है।
तो ये ध्यान में रखना है। अगर हम रीडिंग के साथ थिकनेस को कर रहे हैं तो माइनस करना है, और अगर आरएल के साथ कर रहे हैं क्रॉस बैरियर का आरएल के साथ तो प्लस करना है। ये प्रक्रिया, ये मेथड जो है हर एक जगह यही अप्लाई होता है, चाहे आप सबग्रेड जीएसबी डब्ल्यूएमएम डीबीएम बीसी पीक्यूसी या फिर सेंसर में जो पैक का लेवल देते हैं वो कहीं भी आप ये करेंगे तो आपको ऐसा ही करना है।